अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्वीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं दही फुल्की। तो इसके लिए हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है, उसमें 3 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल रहे हैं, हींग डाली हमने, ये पिंच ऑफ हींग डाली है और ये हमने डाला है बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून के करीब हो गई है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसको। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसका ना हमें बैटर बनाना है, तो हमें जो इसमें पानी लगा था ना, वो हमने पूरा 1 कप यूज़ किया है इसमें पानी। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसको 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये। अब हम इसमें इसको फुल्की डालना स्टार्ट करते हैं स्पून की हेल्प से। तो इसको अच्छे से सेकना है दोनों साइड से, गोल्डन ब्राउन कर लेनी है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो देखिए हमारी ये एकदम सेक चुकी है अच्छे से। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ऑयल में से निकलने के बाद हमने इसको पानी में डाल दिया है और इसको 5 से 10 मिनट हम इसको पानी में ही रहने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब हम इसका रायता रेडी कर लेते हैं। तो हमने ना ये 1.5 कप दही लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून हमने ना इसमें जो लहसुन की चटनी होती है ना वो डाली है इसमें, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉल्ट कम ही डालें क्योंकि लहसुन की चटनी में भी सॉल्ट है और फुल्किया में भी सॉल्ट है ना, इसलिए। अब हम पानी डाल रहे हैं इसको, पानी अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसको, जितना आप गाढ़ा रखना चाहें, पतला रखना चाहें, वो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसमें सारी फुल्की डाल देंगे। और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इसको ना, डुबो देंगे मतलब रायते में। अब हम भगाड़ लगा देते हैं फुल्कियों के लिए। तो हमने ये 2 से 3 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है, पिंच ऑफ हींग डाली है, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और हम फुल्की में डाल देंगे इसको, ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको हरी मिर्च और हरे धनिया से। तो हमारी फुल्की एकदम रेडी है, ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।